जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तमाम सारे विद्यार्थियों की ये जिज्ञासाएं चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, क्योंकि परीक्षा परिणाम लगभग सारे आ चुके हैं, पोस्टिंग प्रक्रिया में चल रही है, L1 की कंप्लीट हो चुकी है, L2 की चल रही है, सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की आने वाले दिनों में हो रही है, आने वाली है, और आचार संहिता से पहले मैं समझता हूं कि वो प्रक्रिया हो जाएगी और कुछ दिनों में ये कार्य भी संपन्न हो जाना चाहिए। विद्यार्थियों की बहुत ज्यादा बड़ी जिज्ञासा अब आने लगी है, क्योंकि चूंकि सारे परिणाम एक गुने के भी आ गए हैं, और ऐसे अनेक विद्यार्थी थे जो ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो एक गुने के अंदर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, और अब जब चूंकि सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि एक गुने में कौन है, दो गुने में कौन था, फाइनली कौन सेलेक्ट होने जा रहा है, तो अब विद्यार्थियों का मानस हो गया है। और वो सबसे ज्यादा जिस एक सवाल को पूछ रहे हैं, वो सवाल ये है कि क्या सर आने वाली भर्तियों की कोई सुगबुगाहट है, क्या आने वाली भर्तियों की कोई संभावना है क्या? और आपको याद है मैंने अपने पिछले कई सारे सेशंस में इस बात को बोला था कि आचार संहिता से पहले सरकार के द्वारा निकाली जानी चाहिए, चूंकि आई एम नॉट अथॉरिटीज, लेकिन हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, शिक्षक होने के नाते हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, परिस्थितियों के आधार पर भविष्य कथन कहे जा सकते हैं, उस आधार पर मैंने बोला था। चूंकि और ग्राउंड लेवल पे जब हम देखते हैं कि इतने सारे पद खाली है, मैंने आपको एक सेशन में पदों का गणित भी बताया था, लेक्चरर के और सेकंड ग्रेड में थर्ड ग्रेड के पदों का गणित मैंने विस्तार से बताया था कि क्यों भर्ती आ रही है, क्यों भर्ती आनी चाहिए। तो मैं इस परिप्रेक्ष्य की क्या भर्तियों की कोई आहट है, मैं कल या परसों देख रहा था उपेन यादव जी जो बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष हैं, और करीब करीब उनकी बातें ऑथेंटिक होती हैं क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो, और जब भी कहीं से कोई अधिकारियों से किसी एक कहने चाहिए अथॉरिटी से जब वो बात करके आते हैं तो उसके बाद वो अपडेट करते हैं, तो ये अपडेट मैंने देखा था, आप सभी ने भी देखा होगा, और भर्तियों की आहट इसमें उपेन यादव जी ने लिखा था, और ये शायद 22 सितंबर को 8:41 9 बजे की लगभग रात्रि, परसों रात्रि 9:45 बजे का समाचार है। शिक्षा विभाग की नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड भर्ती की अभ्यर्थना, कुछ भर्ती की है ना अगले वीक में, मतलब थर्ड ग्रेड की कुछ पद, फर्स्ट ग्रेड की तो मैंने बोला था लगभग 18-20 हजार से ज्यादा पद ग्राउंड लेवल पे खाली है, जिसमें 10 हजार की भर्ती 50% के नियम के हिसाब से आनी चाहिए, और सेकंड ग्रेड की भर्ती भी 8 से 10 हजार की आनी चाहिए। जिन बच्चों को ये वाला गणित नहीं पता है, मैंने जो सेशन में किया था वो जाकर के मेरा एक वीडियो देख ले, नई भर्ती के गणित में, तो प्रथम सप्ताह तक आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच जाएगी, आरपीएससी तक पहुंचती है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की अभ्यर्थना जो होती है वो कर्मचारी चयन बोर्ड पर पहुंचेगी, अक्टूबर फर्स्ट वीक के फर्स्ट या सेकंड वीक तक की बात चल रही है, फर्स्ट वीक तक ही पहुंचेगी क्योंकि फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन की घोषणा हो सकती है, आचार संहिता हो सकती है, तो सरकार के द्वारा घोषणा पहले की जा सकती है, और अन्य विभागों में नई भर्तियां निकलवाने के लिए भी लगातार प्रयास संघर्ष जारी है। उपेन यादव जी की 22 सितंबर की पोस्ट, और मैं शैक्षिक समाचारों के कई सारे राज्य स्तरीय ग्रुप में जुड़ा हूं, वहां भी ये समाचार लगातार चल रहा था, और ये एक समाचार था, आप इसे देखेंगे, और इसमें सारी चीजें इसमें मेंशन थी, वही सारी जो उपेन यादव जी ने कहा, और इससे भी जुड़े, इससे अलावा भी विज्ञान गणित के विषय का परिणाम कल पूरी होने की संभावना है, परिणाम जारी हो भी गया है, यही भर्ती हुई, ये सारी चीजें, तो इसका मतलब ये जो समाचार था जिसमें दो दिन पहले घोषणा थी कि हो जाएगा कल के 22 तारीख को था कि विज्ञान गणित का परिणाम जारी हो सकता है, कल जारी हो सकता है, यानी कि 23 को और 23 को जारी हो भी गया, तो इसका मतलब ये समाचार में सत्यता थी। तो नई भर्तियों की आहट है, और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं विद्यार्थियों कि नई भर्तियां जब भी आती हैं, तैयारी तो सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, आपको तैयारी सतत लगातार करते रहनी होती है परीक्षा के दिनों में, तो मात्र उसको शेप दी जाती है, एक आकृति दी जाती है, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड की तैयारी है, किसी अन्य कंपटीशन की, आपकी तैयारियां सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए कि विज्ञप्ति नहीं है कि ये नहीं है कि वो नहीं है, आप स्थिर चाल से पढ़े, एक स्थिर जो समय होता है, बहुत ज्यादा जब अधिक घंटे तब आप निकाले जब परीक्षा समीप हो, बाकी स्थिर चाल से तो सदैव चलते रहना चाहिए। मैंने एक कथन हमेशा अपने सेशन में बोला था कि शांति काल में बहाया गया श्वेत पसीना युद्ध काल में बहने वाले रक्त को कम करता है, तो युद्ध काल मतलब जब परीक्षा के दिन होंगे उस समय आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, शांति काल में श्वेत बहाइए। तो मैं अपने जैसे ये मेरे पीछे स्लाइड देख रहे हैं स्कूल लेक्चरर की, मैं अपने जो कोर्स बनाता हूं, मुझे विद्यार्थी कई बार पूछे कि सर आप अपने कोर्स के आधार पर बनाते हो क्या, सोच के बनाते हो, तो मैं उनको ये बोलता हूं कि मैं ये सोच के बनाता हूं कि सिलेबस का जो
कठिन पाठशाला जहां पे अध्यापकों की विशेष आवश्यकता बच्चे को होती है। कंटेंट का कई काफी सारा पार्ट, जीके के कई सारे पार्ट ऐसे होते हैं, हिंदी वगैरह ऐसी होती है जिसे बच्चा अपने स्तर पर आराम से पढ़ सकता है। सामान्य हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, सामान्य जीके की बात कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स ये बच्चा अपने स्तर पर तैयार कर सकता है। लेकिन कई सारे पार्ट्स हैं जैसे शिक्षण विधियां है, शिक्षा मनोविज्ञान है, गणित होता है, स्कूल मैनेजमेंट होता है, शैक्षिक परिदृश्य होता है जो थर्ड ग्रेड में आता है मेंस में, स्कूल मैनेजमेंट जो लेक्चरर भर्ती परीक्षा में आता है, गणित लेक्चरर में भी आता है थर्ड सेकंड ग्रेड में आता है, शिक्षा मनोविज्ञान तीनों ग्रेड में है, मेथड्स पेडागोजी का पार्ट तीनों ग्रेड में। तो ये जो पार्ट है ये कठिनतम पार्ट होते हैं। और आपको इस नई भर्ती आएगी उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पुरानी भर्ती ये जो कंप्लीट हो रही है उस भर्ती में मेरे हजारों विद्यार्थी जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनके सिलेक्शन में इन्हीं कठिन विषयों में किए गए अच्छे प्रदर्शन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैंने अपने पिछले सेशन में बोला था कि सेकंड ग्रेड में तो खास तौर से जितने भी बच्चे गणित और विज्ञान में सेलेक्ट होने जा रहे हैं उन सबके सिलेक्शन में, सबके सिलेक्शन में हमारी शिक्षण विधियों का योगदान है। क्योंकि शिक्षण विधियों में उनके 20 में से 19 से 18 नहीं आए होते, वो 40% का बैरियर पार नहीं करते, सिलेक्शन 40% पे हुआ है लास्ट, आपको पता है। कंटेंट इतना कठिन आया गणित का और विज्ञान का कि बच्चों की 40% बन ही नहीं रही, विधियों ने बनाई। तो मैं इस बात को बोलता हूं कि ये जो कठिन पार्ट्स होता है इसके ऊपर, और आपको पता है कि हमारा ये जो कंटेंट है इन सारी चीजों का कंटेंट पूरे भारत में इससे ज्यादा प्रमाणिक, और क्योंकि मैं मेहनत करता हूं, मैं शिद्दत से मेहनत करता हूं, मैं एक विद्यार्थी जैसी मेहनत करता हूं जैसे विद्यार्थी करते हैं। तो आपको जो सिलेबस दे रखे हैं, जो मैंने कोर्स दे रखे हैं, फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है जिसमें स्कूल मैनेजमेंट है, गणित वाला पार्ट है, साइकोलॉजी वाला पार्ट है, एजुकेशन साइकोलॉजी वाला पार्ट, ये कॉम्बो कोर्स है, ये आपको मिलेगा इसमें बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ से जब आप नंबर बटोरते हो तो ये नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। सेकंड ग्रेड में भी जब आप देखेंगे, सेकंड ग्रेड में हमने शिक्षण विधियों का और साइकोलॉजी का कॉम्बो कोर्स भी दे रखा है और अलग अलग कोर्स भी दे रखे हैं। और 40 नंबर की साइको, 40 नंबर के मेथड्स, 80 नंबर, ये सिलेक्शन में ऐसी भूमिका, ये आधार होते हैं। आप थर्ड ग्रेड में भी देखेंगे मेंस में, मेंस में शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षण विधियां हैं, आरटी वगैरह जो सारा पार्ट है वो सारा, और फिर गणित भी साथ में दे दिए L1 L2 में। तो ये सारे जो पार्ट है कॉम्बो के इनको आप देखेंगे बहुत ज्यादा। और रीट पात्रता, रीट पात्रता को तो इतना बड़ा कोर्स दे दिया है कि उसमें गणित भी है, शिक्षा मनोविज्ञान भी है, सारी विधियां भी है, संस्कृत भी है राधे राधे सर की, तो इतना सारा का पार्ट सब दे दिया है विद्यार्थियों को। और रीट में तो जो 90% 90 मार्क्स का जो बैरियर होता है वो अगर हमारा कोर्स पढ़ के किसी बच्चे का पार ना हो तो हमसे फीस के पैसे लेते, गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ। उसका कारण है कि शिक्षण विधि और मनोविज्ञान जो है वो मिलकर के 70 अंक का पार्ट घेरते हैं, गणित और 90 नंबर लाने होते, बड़े आराम से बच्चा ला सकता है कुल मिलाकर के। तो इतनी मेहनत से काम किया है ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा। और 2 दिन के लिए मैंने, चूंकि मेरी एनिवर्सरी भी थी मेरी, इन द सेंस की मेरी एप्लीकेशन की, तो 2 दिन का ऑफर भी चल रहा था। नई भर्तियों की आहट है और आहट सुन करके अभी से तैयारी कीजिए। जब भी परीक्षा की तिथियां समीप होंगी या भर्तियां आ जाएंगी उस समय तक आप काफी हद तक तैयार हो चुके होंगे, इसीलिए मैं बोलता हूं कि अभी से तैयारी करो, अभी से। तो ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं 2 दिन के लिए, 200 रुपए के कूपन का एनिवर्सरी पे मैंने 24 और 25 सितंबर, 24 तो आज निकल गई है, निकल रही है, 25 सितंबर कल है, और एनिवर्सरी पे हमने दिया था 200 रुपए का फ्री। हर एक कोर्स में है, आप हर एक कोर्स में जाएंगे आपको एक एनिवर्सरी 200 नाम से एक वो मिलेगा कूपन कोड, उसे क्लिक करेंगे आपके 200 रुपए कम हो जाएंगे। ये बच्चों के लिए सुविधा के लिए था, बच्चे जुड़े। और वैसे मेरे कोर्सों का मूल्य 200 रुपए की छूट ना तो भी बहुत कम है, बहुत नाकुछ है। लिंक जो नए बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे जिनको पता नहीं है एप्लीकेशन, वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक को क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन के एप्लीकेशन में पहुंचेंगे, डाउनलोड करेंगे, वहां जाकर के कोर्स देखेंगे। और इसकी इन कोर्सेज में सबसे ज्यादा हाईलाइट जो चीज मैं इस बार मैंने घोषणा की थी, मैंने बता भी दिया था, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड से मैं महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न, उस फोल्डर है, प्रश्नों की तैयारियां चल रही हैं, उनकी रिकॉर्डिंग चलेगी, उनके नोट्स चलेंगे, उनके टेस्ट सीरीज के फॉर्म में डलेंगे बहुत ज्यादा। और वो मेरे कोर्स लेने वाले बच्चों के लिए फ्री होगा, बाकी सब बच्चों के लिए पेड होगा ठीक ठाक कीमत पर, क्योंकि ये बच्चों के लिए सबसे बड़ा रामबाण होगा। तो कोर्स ले डालिए, आपको कोर्स तो लेना ही पड़ेगा, आप ऑफर के दिनों में लें, ऑफर के बिना दिनों में लें, कोर्स तो आपको लेना ही है। इसलिए लेना है क्योंकि आपको अपने सपनों से प्यार है, आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, आपको सफलता प्राप्त करनी है, आपकी आंखों में सपना है, और आपने इतनी शिद्दत से मेहनत की है, तो फिर क्यों कुछ थोड़े से पार्ट की कमजोरी की वजह से आप अपने सिलेक्शन को बाधित करते। जम के तैयारी कीजिए। आचार्य चाणक्य के उस कथन को मैं पुनः दोहराता हूं कि शांति काल में बहाया गया स्वेद पसीना, ये पसीना शांति काल में जितना बहता है
युद्ध काल में आपकी रक्त बहने को उतना ही कम करता है। चलिए विद्यार्थियों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छे से तैयारी आप लोग करें, जम के तैयारी करें, और मैं आपके साथ आपके कठिनतम पार्ट्स पर मैं आपके साथ मजबूती से आपके साथ हूं। हमने इस साल 1000 बच्चों के सिलेक्शन दिए, अगली बार फिर 1000 बच्चों के सिलेक्शन के साथ हम लोग, और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब हजारों बच्चे जब दुआएं देते हैं, उनके माँ बाप की दुआएं लगती हैं, उनकी दुआएं लगती हैं, जब वो दिल से कहीं इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी सफलता के पीछे हमारे योगदान है, वो एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है। जय हिंद, जय भारत।